Hey guys, I'm Arnaz Singh. I'm a third year MBBS student at All India Institute of Medical Science, New Delhi. इस वीडियो में मैं आज बात कर रहा हूँ दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में. पहले जो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करते रहते हैं, भैया हार मानने का मन कर रहा है, गिव अप करने का मन कर रहा है, और नहीं झेला जा रहा, मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, ड्रॉप कर लूंगा मैं, पर मैं और नहीं पढ़ाई कर सकता, मेरे को गिव अप करने का मन है, सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा है, उनका उनकी हिम्मत टूट रही है. उन स्टूडेंट को मैं एड्रेस करूंगा क्योंकि पढ़ाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स के लिए अपना माइंडसेट चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं अभी एड्रेस नहीं करूंगा तो मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड उसके बाद फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जितनी भी टिप्स दे दो, ठीक है. दूसरे स्टूडेंट्स वो होंगे जिनको मैं बाद में रेफर करूंगा क्योंकि वो कम नंबर में है, वो जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत उड़ रहे हैं अभी, ठीक है, एंड सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं अभी जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं 5-6 घंटा से पढ़ के, वो भी इस लॉकडाउन के समय. तो चलो यार, पहले तो यार जो ड्रॉप करने की टेंडेंसी ना उनकी बात करता हूं मैं, ठीक है. गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड मेरे को भी बहुत उत्साह मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक करते हो वीडियो को. आपका कुछ नहीं जा रहा है पर मेरे को मोटिवेशन इस बात से मिलती है, मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप मेरे को इस तरीके से एनर्जी दो, आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, मेरे को एनर्जी मिलेगी, मैं वो एनर्जी आपको ट्रांसमिट करता हूँ. इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, राइट. ड्रॉपर्स यार जो सोच रहे ना ड्रॉप करने की टेंडेंसी, जिनको जिनके अंदर ड्रॉपिंग टेंडेंसी आ गई, मैं ये पूछना चाहूंगा यार, पहले ये बताओ तुम लोग, जब 11th तुम्हारा शुरू हो रहा होगा, ठीक है, एक साल पहले चले जाओ, ठीक, या 12th शुरू हो रहा होगा, दो साल पहले, सॉरी 11th शुरू हो रहा था, जब 12th शुरू हो रहा था या फिर जब आप ड्रॉप करना डिसाइड किए थे, उस साल याद करोगे, उस समय तुमने क्या प्रॉमिस किया था अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, या फिर अपने सिबलिंग्स को, अपने बड़े भाई को, बड़े बहन को, आपने क्या प्रॉमिस किया था कि यार मैं तो फोड़ूंगा इस बार, मेरे को एक और चांस चाहिए, आई थिंक आई कैन डू दिस, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरे को मैं ये बीएससी नहीं कर सकता, मैं बी फार्मा नहीं कर सकता, ठीक है, मैं डेंटिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये सब भी कोवेटेड ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ नहीं है इन ब्रांचेस में, ठीक है, इसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा आपके लिए. पर आपने क्या डिसाइड किया था कि नहीं मेरे को एमबीबीएस ही करना है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जाना, प्राइवेट में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मैं प्राइवेट में नहीं जाना चाहता, आपने यही सोचा था ना. पर अब क्या हुआ यार, पहले तो बहुत दूर फेंके थे, इतना दूर तुमने फेंका, कहते ना इतना दूर आपने पतंग ढील दी, अब लपेट नहीं पा रहे. जब करने की बारी आ रही है तब कहाँ गया वो एंथू, वो कहाँ गई आपके अंदर की जो ज्वाला थी ना, आपके अंदर की जो आग थी कि नहीं मेरे को करना ही करना है यार, किसी भी हाल में एक मौका और मिल जाए ना. आप रो रहे होगे उस समय, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे होगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या अपने आप को कन्विंस कर रहे होगे, नहीं भाई सुन एक साल और देंगे, हो जाएगा, अभी 450 आए हैं, 330 आए हैं, नहीं अगले साल मैं 600 पहुंच जाऊंगा, नीट 2019 में मैं नहीं कर पाया, 2018 में नहीं कर पाया, 2017 में नहीं कर पाया, पर इस बार मैं जरूर कर लूंगा, आर्यन भैया की बात मानूंगा एंड वो जरूर मेरे को सक्सेस दिलाएंगे. बट माइंड यू गाइस, सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप खुद भी मेहनत कर रहे होगे, सिर्फ मेरी बात सुनने से आपको सक्सेस नहीं मिल जाने वाली, ठीक है. तो कहां गया यार वो एंथुसियाज, कहां गया वो पढ़ने का लगन जो आपने इतना कुछ कमिट किया था, कहां गया भाई, मतलब बस फेंकने से हो जाएगा, अभी आप बस लेटे पड़े हो और डिप्रेशन में पड़े हुए हो एंड ये सोच रहे हो कि कोई जादू हो जाएगा, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, कोई आपके जगह क्वेश्चन सॉल्व कर देगा. आर्यन भैया आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देंगे भाई, मैं आपके जगह क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँगा, आपके जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आपके जगह नहीं पढ़ाई कर सकता, समझ रहे हो, सब कुछ आपको ही करना. तो एक बार वो याद करो यार कि आपने क्यों ये जर्नी शुरू की है, मेरा कहने का मतलब यही है, क्यों, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी, क्या वो मोटिवेटिंग फैक्टर था जब आप इतने बड़े फेलियर को फेस किए थे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पाया, आपके लिए काफी बड़ा फेलियर था, इसलिए तो आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हो. तो जब आप फेल कर रहे थे तो आपने यहां तक का ड्रीम किया, ठीक है, तो क्यों किया, उस समय एक आपके पास थॉट होगा, ठीक है, उसको एक बार रिकॉल करो और रोज अगले एक हफ्ते तक ना अपने आपको रिमाइंड करो यार, सिर्फ कॉमेंट सेक्शन और मेरे को इंस्टाग्राम पे लिखने से नहीं हो जाएगा, कमिटमेंट देने से, भाई आप तो मैं बहुत पढ़ लूंगा, ना भाई ना, ऐसे नहीं होगा तेरा कुछ भी, मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक पॉइंट होता है यार, जब भी आप फेलियर्स फेस करते हो उसके बाद जब आप सक्सेस की सोचते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर आपको कोई ना कोई फैक्टर होता है जो आपको मोटिवेट करता है, नहीं भाई एक और ट्राई मारते हैं, तो उस फैक्टर के बारे में फिर से सोचिए, ठीक है, रिमाइंड कीजिए अपने आप को. और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यार आपको कैसी लगन मेंटेन करनी है पढ़ाई में, अभी मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ऐसी कि अगर आपका मैं चेहरा पानी में डुबो दूं,
कभी हुआ है कि आपका सांस फूल रहा हो, आप स्विमिंग करने गए होंगे, पानी में आपका सर चला जाए या फिर आप नाक बंद कर लो अपना, एंड जो आपका सांस फूलती है ना, जब वो इच्छा होती है आपकी ऑक्सीजन लेने की ना, सांस लेने की, अगर वैसी इच्छा, हाँ वैसा दृढ़ निश्चय आपके अंदर है पढ़ाई करने का ना, ठीक है, तो आप वो जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली पढ़ाई कर लोगे, एंड लॉकडाउन में जितना समय है ना आप वो यूटिलाइज कर रहे होंगे। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो ड्रॉप करने की टेंडेंसी है यार, तुम लोग ये बताओ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, टफ टॉपिक मत उठाओ, कोई ईजी टॉपिक उठाओ, बायोलॉजी पढ़ लो यार, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, चलो नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जो पहले से नहीं पढ़ रखा है वो मत पढ़ो, कोई कुछ रिवाइज कर लो, कम से कम टच में रहो पढ़ाई के। मैं देख रहा हूँ मैं धीरे धीरे लेवल गिरा रहा हूँ, पहले टफ टॉपिक था, चलो ईजी टॉपिक पे आ जाओ, चलो उस टॉपिक पे आ जाओ जो रिवाइज करना, ठीक है, चलो वो भी नहीं करने का मन है यार, तो क्या क्वेश्चन लगा लो, कम से कम मन लगेगा, क्वेश्चन भी नहीं लगाना है, आप क्वेश्चन बैंक मेरा ले रखे हो, उसमें यार फिल्टर है, आप इजी क्वेश्चन लगा लो, फिल्टर डाल दो, इजी क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, चलो यार गलत हो गया कोई नहीं, सोल्यूशन देखोगे पढ़ने का मन करेगा, अब डिफिकल्टी लेवल पे क्लिक करोगे मेरे क्वेश्चन बैंक में, आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे 60% लोग सही कर रहे हैं एंड मैं गलत कर रहा हूँ वही क्वेश्चन, तो आपको फिर एक ट्रिगर आएगा, भाई ये स्टूडेंट्स कैसे कर पा रहे हैं यार, मैं ये भी इसमें से भी लोग ड्रॉपर होंगे भाई, वो जो 60% स्टूडेंट जो सही कर रहे हैं वो क्वेश्चन, 10,000 स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, 270,000 क्वेश्चन एक दिन में अटेम्प्ट हो रहे हैं, जान रहे हो मेरे क्वेश्चन बैंक के टोटल, जो जितने स्टूडेंट्स इनरोल किए ना उनका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं मिला के 270,000 है, ठीक है, तो उसमें से 20,000 स्टूडेंट भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 60% सही किए, और उसमें से आपको लग ही रहा होगा यार ड्रॉपर ज्यादा होंगे, हर साल सिलेक्शन तो कम हो रहा है, तो वो आपके ही स्टेट में होंगे, वो भी आप जिस लेवल फेलियर पे थे जहां से आपने सक्सेस तक का सोचा वो भी उसी लेवल पे होंगे, वो अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं रोज का रोज, एंड इसलिए वो क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड वही चीज मैं आपको भी करने को कह रहा हूँ, अपने आपको रिमाइंड करो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, एंड फिर आप जब देखोगे कि हाँ आप जो डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन थे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जिसे 20% 30% लोग सही कर रहे थे वो आप कर पा रहे हो, ठीक है, अब आप मोटिवेशन बन गए उन स्टूडेंट्स के लिए जो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो आप बात, तो यार ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखो करते समय, ठीक है, और एक और चीज मैं बोलूंगा, ये तीन चीजें आपने कर ली ना, पहले तो वो जो मैंने बोला मुंह आपका पानी में डाल दूं तो वो उतना आपका अंदर तरप होनी चाहिए पढ़ाई की, दूसरा रिमाइंडिंग योरसेल्फ, तीसरा क्वेश्चंस लगा लो यार अगर मन नहीं कर रहा, ठीक, आपको क्वेश्चन बैंक नहीं लेना मत लो, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे फ्री क्वेश्चंस लगा लो, टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं बार बार बता चुका, फिर से नहीं बता रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो लिंक से तो आप वो चले जाओ गूगल प्ले स्टोर पर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर इंसोनिया नियारे सर्च कीजिए एंड अपने आप को ज्वाइन करा लीजिए, फाइल सेक्शन में आप जाएंगे आपको 58 चैप्टर के फ्री 45 क्वेश्चंस विद आंसर की मिल जाएंगे, कम से कम वो लगा लो यार, क्वेश्चन बैंक नहीं लेने का मन है तो, ठीक है, पुराने क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं होगा यार, एक जो क्वेश्चन लगा रखे हो ना ऑलरेडी उसको फिर से लगाओगे तो आपको कहीं ना वो याद रह जाती है वो बातें, ठीक, तो वो फिर से लगाओगे आपको कहीं ना कहीं आंसर याद आ जाएगा, तो आपका जो आप करेक्ट कर रहे होगे ना ज्यादा नंबर क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे होंगे, तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन, नए क्वेश्चन लगाओ तभी पता चलेगा, और वो भी वो क्वेश्चंस लगाओ जिसमें आपको पता चल रहा है कि बाकी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी आपको उस डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लगेगा, ये चीज हो गई, एंड लास्ट चीज मैं बोलूंगा, चौथी चीज, नो ड्रॉप ओथ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आप अभी ओथ ले रहे हो कि आप ड्रॉप नहीं करने वाले हो किसी भी हाल में, कम से कम 2 महीने के लिए तो ये सोच सकते हो ना यार, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, कुछ तो मार्क्स इंप्रूव होंगे ना यार, कम से कम 2 महीने पढ़ाई करोगे, इतना तो बिलीव करते हो मेरे पे, ठीक, अब चलो उसको, अब मैंने जैसे बोला था, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो उड़ रहे हैं अभी और सोच रहे हैं अरे यार मैं तो 5-6 घंटे पढ़ाई कर ले रहा हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ओ भाई मैं बता दूं आपको, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है, कितने ढेर सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया ऐसे हैं जो दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, तुमसे बहुत ज्यादा स्कोर ला रहे हैं और कंसिस्टेंटली भी ला रहे हैं, तुम एक पेपर में लाए होगे वैसा स्कोर और तुम उड़ रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बेटा मौका है पढ़ लो, अगर ये जो जितनी खुशी मिल रही है ना एक पेपर में जो आपका स्कोर का स्पाइक आया उससे, अगर वही खुशी आपको नीट के एंड वाले दिन भी चाहिए, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपको, ठीक, तो खुश होने के बजाय और पढ़ाई करो, तो कहने का मतलब ये है जो बंदे अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं ना या एक बार सक्सेसफुल हो गए पेपर में, तो अपने सक्सेस को मेंटेन करो और जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना उससे ज्यादा ही पढ़ाई करो, और आपका अगर सक्सेस लेवल नीचे जा रहा है तो रिकॉल करो कि क्यों आप सक्सेसफुल हो रहे थे, ऐसा क्या कर रहे थे पहले कि आपका मार्क्स बढ़ रहा था, अब वो नहीं कर रहे हो जिसके वजह से आपका मार्क्स नीचे गिर रहा है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक जो मैंने खुद का बनाया है, ठीक है,
ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन बैंक एग्जिस्ट करता है जिसमें खुद एक प्रॉपर यू नो कॉन्ट्रीब्यूट किया. मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा पर रियलिटी बता रहा हूँ, ये फैक्ट चेक है, रियलिटी चेक हो रहा है ठीक है. और कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एट 499 ओनली ठीक. आंसर की सोल्यूशन सारे उसके जो फीचर्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है, जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं. 9th अप्रैल को पहला आपका फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है, 7th अप्रैल की रात को लिंक बंद हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग. ऐसी वीडियोज मैं बनाता रहूंगा. और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कौन सी आपको वीडियो चाहिए.